हाय गाइस, आज हम देखते हैं इन्वर्टर। आज का टॉपिक हमारा है इन्वर्टर। इन्वर्टर का सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इन्वर्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद है वर्किंग, उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम और एप्लीकेशन। आज हम इन्वर्टर के 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। बारी बारी से देखते हैं एक एक पॉइंट। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अर्थात इन्वर्टर एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी सिग्नल इनपुट पे उसके डीसी सिग्नल दिया जाता है और इसे एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डीसी सिग्नल, इसका वेव डायग्राम यहाँ पे जो रहेगा यह कुछ डीसी रहेगा और यहाँ पे जो मिलेगा हमें यह कुछ इस प्रकार का एसी होगा, माने साइन वेव जैसा होगा। तो आइए देखते हैं उसके प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, ये इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। इसके इनपुट पर डीसी इनपुट दिया गया है और आउटपुट पर एसी आउटपुट प्राप्त हुआ है। प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। इन्वर्टर की मूल प्रिंसिपल फास्ट स्विचिंग पर आधारित होता है। इसको चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। इसमें चार IGBT लगाए जाते हैं। IGBT का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। एक समय में दो IGBT वर्क करते हैं। आइए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे पावर सप्लाई लगा है, डीसी सप्लाई लगी हुई है। एक साथ में दो IGBT, दो ये जो फिगर बना हुआ है, ये एक ट्रांजिस्टर और एक डायोड जैसा सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये पूरी कंप्लीट IGBT है और इधर भी IGBT है, तो एक साथ में दो IGBT वर्क करते हैं। देखिए, ये IGBT 1 माने Q1 और Q2 एक साथ में ऑन होते हैं तो पावर सप्लाई जाती है यहाँ से और इस पाथ माने जो रेड लाइन दिखाया गया है उसके द्वारा आता है और लोड में ए से बी की तरह धारा प्रवाहित होती है और चला आता है इसके निगेटिव टर्मिनल पर। और दूसरी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में ए माने जो IGBT होते हैं ये ऑफ हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद IGBT Q3 और Q4 दोनों टर्न ऑन हो जाते हैं। जब ये दोनों IGBT टर्न ऑन हो जाते हैं तो इस दौरान करंट का फ्लो की डायरेक्शन ये जो ब्लैक और डॉटेड एरो द्वारा से दिखाया गया है, इस समय लोड में धारा बी से ए की तरफ प्रवाहित होती है। यही इसकी कार्य प्रणाली है। और देखते हैं इसकी सहायता से वेव डायग्राम। ये देखिए वेव डायग्राम है। जब IGBT Q1 व Q2 के गेट पर ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, अर्थात यह ऑन मोड में होता है, पावर सप्लाई में आउटपुट प्राप्त होता है, तो देखिए IG1 और IG2 Q1 व Q2 पर एक पल्स मिला और उसके बाद इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ थी लोड में। और यही जब IGBT Q3 और Q4 ये टर्न ऑन होते हैं तो इसकी डायरेक्शन चूंकि चेंज हो जाती है, इसलिए इसे हम निगेटिव साइकिल में बनाते हैं और पुनः यही प्रक्रिया बार बार रिवाइज होती रहती है, जिससे पॉजिटिव हाफ वेव, फिर निगेटिव हाफ वेव, पॉजिटिव हाफ वेव, निगेटिव हाफ वेव, इस तरह पल्सेस हमें मिलने लगते हैं, जिससे ए एक एसी की तरह बिहेव करते हैं, एक एसी की तरह बिहेव करते हैं। ये देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। इन्वर्टर का एप्लीकेशन प्राय निम्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल स्पीड मोटर कंट्रोल में किया जाता है, माने स्पीड जो एसी मोटर होते हैं उनकी स्पीड को किस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस इन्वर्टर की सहायता से उसे हम कर सकते हैं। इंडक्शन हीटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, एरोप्लेन पावर सप्लाई में किया जाता है और कंप्यूटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।